हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मशरूम निदेशालय की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की जानकारी हासिल की। इस मौके पर केंद्र के निदेशक ने उन्हें मशरूम के महत्व के बारे में अवगत करवाया और यह भी बताया कि मशरूम अनुसंधान केंद्र मशरूम की प्रजातियां विकसित करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है और देश के किसानों को उनके अनुसंधान से क्या फायदा पहुँच रहा है। इस मौके पर राज्यपाल ने निदेशालय की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस सोलन के ICAU का जो रिसर्च यूनिट है वो देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुआ है। इसलिए हमारा देश में कृषि का जो है बहुत बड़ा जो है साइंटिफिक मेथड के साथ नए नए पद्धतियों को उठाने के लिए किसानों को बीच में ले जाने के लिए ये मशरूम रिसर्च सेंटर जो है काफ़ी अच्छे जो है नवाचार से काम कर रहे हैं और एक साइंटिफिक मेथड में काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है हमारा हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा सेंटर होना और इसके लिए सोलन जो है ये मशरूम का जो है एक नेशनल कैपिटल जो है माना हुआ सोलन है। तो इसलिए इससे जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ज़्यादातर के किसानों को ये मशरूम का बाय प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। किसान तो मशरूम आज एग्रीकल्चर में कर रहे लेकिन इसको एग्रो प्रोसेसिंग करके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के रूप में जैसे मुझे आज ने बताया कि मशरूम बिस्किट्स मशरूम के जो है तवाए ऐसे बहुत से नए नए प्रोडक्ट्स भी आगे ला सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में और मुझे बहुत खुशी है इस रिसर्च को और खेती को प्राकृतिक खेती के रूप में बढ़ावा देके किसानों को दुगना इनकम बढ़ाने का जो काम चल रहा है इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी जो है इसका काफ़ी जो है रिसर्च के लिए प्रावधान दे रहे राज्य सरकार भी इसको उपयोग कर लेके किसानों को और ज़्यादा जो है फ़ायदा लाने के लिए हम कोशिश करेंगे।